एक्सेल के अंदर में कुछ भी टाइप करते हैं, अब मुझे मान लीजिए इसको सम करना है, तो जनरली आप लोग क्या करते हैं, सम का फॉर्मूला लगा, राइट? तो सम के फॉर्मूले में क्या होता है, ये सम क्या है आपका, ये आपका इनबिल्ट फॉर्मूला है। अब जैसे आपके पास किसी तरह की कैलकुलेशन है, लेकिन क्या लग रहा है उस कैलकुलेशन के लिए आपके पास पहले से प्री डिफाइंड फॉर्मूला होगा, इसकी गारंटी थोड़ी है। हो सकता है कि आपके पास पहले से प्री डिफाइंड फॉर्मूला नहीं हो, तो उस केस में हम लोग जो है कुछ भी कैलकुलेशन करने के लिए ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमने इसको सिलेक्ट किया प्लस, इसको सिलेक्ट किया, एंटर प्रेस करने पे देखिए आपके सामने रिजल्ट आ गया F2, E2 प्लस F2 इसका रिजल्ट आ गया। तो कहने का मतलब है कि आप जो है कैलकुलेशन के लिए मैथमेटिकल ऑपरेटर्स जो कि होता है प्लस माइनस मल्टीप्लाई और ये होता है आपका पावर, ये पांच जो है मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं जो कि एक्सेल में डायरेक्ट कैलकुलेशन करते हैं। तो किस तरह की कैलकुलेशन होती है, चलिए इस पर हम आपके साथ बातचीत करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे हमारे पास क्वार्टर वन का सेल है, यहाँ पे हमारे पास क्वार्टर टू का सेल, क्वार्टर वन एंड क्वार्टर टू का सेल आप सामने आपको दिख रहा है। मुझे क्या करना है कि जो क्वार्टर वन का सेल है वो है 50, क्वार्टर टू के सेल है हमारा मान लीजिए 60, मुझे इसमें ग्रोथ निकालना है, मुझे इसमें ग्रोथ निकालना है। तो ग्रोथ के लिए जो कोई फॉर्मूला अवेलेबल नहीं है, अवेलेबल है भी तो चलो आपकी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग नहीं है, जरूरी नहीं कि फॉर्मूला अवेलेबल हो तो आपकी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग हो। देखिए इसका जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन कहता है कि लेटेस्ट माइनस, देखिए क्वार्टर टू माइनस क्वार्टर वन डिवाइड बाई क्वार्टर वन, तो क्वार्टर टू माइनस क्वार्टर वन डिवाइड बाई क्वार्टर वन, ठीक है। अब मुझे इसको यहां पे करना है, तो कैसे करें इसके लिए, तो इसमें हम मैथमेटिकल कंसेप्ट अपनाएंगे क्वार्टर टू माइनस क्वार्टर वन डिवाइड बाय क्वार्टर वन। अब मुझे ये राशि जी बताइए क्या ये सही है, नहीं है, ब्रैकेट आना, ब्रैकेट आना, जी हाँ, क्योंकि इसमें हमने बोर्ड मास मेथड का इस्तेमाल नहीं किया है, मतलब कि हमने ब्रैकेट्स का इस्तेमाल नहीं किया। तो देखिए हमने ब्रैकेट का जब इस्तेमाल किया तो आपके सामने यहाँ पे 20% आ गया, आ गया सर, आ गया, तो ये 20% हमारा आ गया। इस तरह से भी कैलकुलेशन की जा सकती है। अब चलिए एक अनोदर कैलकुलेशन हम आपको समझाते हैं, क्योंकि ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आगे ये कैलकुलेशन आपको खुद करना है। जैसे मान लीजिए मेरे पास जो है वो है यहाँ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल हमारा 50,000 है, रेट हमारा मान लीजिए 10% है, और टाइम जो हमारा है वो टाइम समझ लीजिए कि टाइम जो है हमारा वो है 3 साल। अब मुझे इसमें अमाउंट निकालना, हालांकि इस कैलकुलेशन के लिए हमारे पास FV फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला है, लेकिन मैं इसको मैथमेटिकल कंसेप्ट के थ्रू करना चाहता हूँ। कैसे करूँगा, तो मैथमेटिक कहता है कि अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल टी मल्टीप्लाई बाई वन प्लस आर डिवाइड बाई एन पावर ऑफ टी मल्टीप्लाई बाई, ये मैथमेटिकल जो मैथमेटिक्स है उसका रोल। तो क्या करें यहां पे, तो यहाँ पे हम करेंगे अब इसकी कैलकुलेशन कैसे, क्योंकि लंबी कैलकुलेशन है। अब यहाँ पे देखिए एक नई चीज सीखने को मिलेगा, उस मिलेगा फॉर्मूला मर्जिंग मेथड। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे वन बाई वन कैलकुलेशन करेंगे कि आठ डिवाइड बाई टेन, फिर हम यहाँ करेंगे वन प्लस ये दे देंगे, तो ये हो जाएगा वन प्लस आठ डिवाइड बाई टेन। नाउ मैं करूँगा टाइम मल्टीप्लाई बाई एन, मतलब कि 12, एन माने नंबर ऑफ पेमेंट इन द ईयर 36, देन हम इन दोनों का पावर निकालें
और फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम प्रिंसिपल से, तो फाइनल रिजल्ट यहाँ पर आया। तो हमने क्या किया है कि कैलकुलेशन को स्टेप बाय स्टेप अलग अलग सेल में किया, और अलग अलग सेल में स्टेप बाय स्टेप करने से बेनिफिट क्या हुआ मुझे, बेनिफिट ये हुआ कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि हमारी रिजल्ट यहाँ पर आ गया। अब इससे फायदा होगा कि आपका कोई फॉर्मूला अगर एरर दे रहा है तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे एरर है। ठीक है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर आती है कि फिर इसको हम एक सेल में कैसे लाएं, तो इसके लिए हम करते हैं मर्ज। जैसे ये देखिए E14 से कनेक्टेड है, तो मैं यहाँ E14 पे E14 का फॉर्मूला पेस्ट कर देता हूँ, जो हमारा E14 का फॉर्मूला है। उसके बाद इसको डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद इसमें इन दोनों F14 और G14 है, तो F14 को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और F14 के ऊपर पेस्ट कर देता हूँ। एंड देखिए यहाँ पर प्रॉब्लम हो गई क्योंकि हमने कुछ प्रॉब्लम किया है, हमने ब्रैकेट इस्तेमाल नहीं किया। तो ध्यान रखिएगा कि आप कैलकुलेशन ब्रैकेट के अंदर करें। तो वापस सॉरी अब मैं इन दोनों को डिलीट कर सकता हूं। फिर नाउ हम इसको कैलकुलेट सेलेक्ट करेंगे कॉपी, और यहां जहां हमारा H14 है, देखो H14 के जगह उसका फॉर्मूला देख सकते, रिजल्ट आ गया। अब इसको डिलीट कर दो, तो ये समझ में आ गया आपको जी सर। अब इसको कट कॉपी मत कीजिएगा, कट करके यहाँ डाल आ गए। अब इसमें अगर अगला एग्जांपल मैं बताऊं तो एक और एग्जांपल बता रहा हूं कि हमारे पास MRP है, मतलब कॉस्ट है, किसी प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, मान लीजिए 50 रुपीज़, मुझे 50 रुपीज़ है, मुझे इसका MRP निकालना है। तो इसके लिए अगर मैनुअल जाएं तो हम क्या करते हैं कि पहला जो मैन्युफैक्चरर है वो कहता है कि मैं 5% लूंगा अपनी कॉस्टिंग का, 5% लूंगा अपनी कॉस्टिंग का, और हम किसको बेच देंगे, डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटर कहता है कि मेरी जो खरीद पड़ेगी उस पर मैं 10% का कमीशन लूंगा और किसको बेच दूंगा, होलसेलर को। होलसेलर कहता है कि मैं जो है अपने खरीद का 15% लूंगा और बेच दूंगा रिटेलर को, और रिटेलर कहता है कि मैं अपनी खरीद का 20% लूंगा और बेच दूंगा कंज्यूमर। तो कंज्यूमर इज द कंज्यूमर प्राइस इज द MRP। अब ये तो इतने अलग अलग सेल में हमने किया, अब इसको एक सेल में कैसे करें, तो यही जो आपने ऊपर किया है सेम फॉर्मूला मर्जिंग मेथड और इस्तेमाल कर हमने इसको कॉपी किया। इक्वल कॉपी मत कीजिएगा, और जहाँ यहाँ आपके पास क्या है F20, ये था F19, जहाँ F19 है उसके जगह पर हम इसको पेस्ट कर देते। अब इसको मैं डिलीट कर सकता हूँ, कि वापस हमने इसको कॉपी किया और यहाँ जहाँ पे F20 है उसके जगह पे हम F20 का फॉर्मूला पेस्ट कर देते हैं। अब मैं इसको आसानी से डिलीट करूँ दिक्कत हो रही है क्योंकि इसमें भी है, इसे डिलीट करते समय देखिएगा कि आपके साथ जो वैल्यू है चेंज तो नहीं हो रहा है। अब इसको कॉपी किए
और जहाँ G19 है उसके जवाब में अब मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ। अब फिर मैं इसको कॉपी किया एच के ऊपर H20 है G20 के जगह पे G20 का फॉर्मूला हम पेस्ट कर देंगे। अब G20 को यहाँ भी G20 है इसका फॉर्मूला भी हम पेस्ट कर देंगे। अब G20 को डिलीट करते हैं। अब यहाँ हम लेते हैं कॉपी और यहाँ पे H19 की जगह पे H19 का फॉर्मूला डाला। अब इसको डिलीट किया जा सकता फिर इसको कॉपी करता हूँ। यहाँ आपके पास H21 है H21 की जगह पे H21 का फॉर्मूला डाला और यहाँ भी हमारा H20 है H20 की जगह पे H20 का फॉर्मूला डाला और हम इसको डिलीट। अब देख रहे हैं कितना लंबा फॉर्मूला होते जा रहा है तो ये फॉर्मूला मर्जिंग मेथड कहलाता है कि आप जो है इतना लंबा फॉर्मूला एक बार में लिखना आपके लिए पॉसिबल नहीं है बट हम इसको अलग अलग सेल में डालेंगे और फिर कट करके जहाँ चाहिए वहाँ पे ले जाइए। अब इतना लंबा फॉर्मूला आप क्या हम भी नहीं लिख सकते सर, मैं भी इसमें कई बार गलती करूँगा। ठीक है, ठीक है सर। तो इसका यूज हम लोग, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी कुछ मैथमेटिकल कंडीशंस ले, कुछ मैथमेटिक्स के ले और उसको आप भी इस तरह से बनाएं और बना के मुझे भेजें। ठीक है, ठीक है सर। कल की क्लास में हम बात करेंगे लॉजिकल फॉर्मूले के बारे में। ओके ओके सर, ओके सर, ओके। आज थोड़ी छोटी क्लास है क्योंकि टॉपिक छोटा है।